एक मित्र ने पूछा है कि जो लोग अभी एक अनकॉन्शियस पैटर्न में उलझे हैं उनसे कैसे डील करें। अनकॉन्शियस पैटर्न यानी कि वो ऐसी जीवन शैली लेकर चल रहे हैं जो बेहोशी से भरी है। तुम पूछते हो कि उनसे कैसे डील करें, तो उनसे डील करने का जो तरीका है वो बड़ा स्पष्ट है। तुम कॉन्शियस पैटर्न से भर जाओ। अगर तुमको लगता है कि तुम कॉन्शियस पैटर्न से भरे हुए हो तो तुमको स्वाभाविक रूप से उनसे डील करना आ जाएगा। अलग से तुमको कोई बात सीखने की ज़रूरत नहीं है। तुमको देखना है कि तुम्हारे जीवन में जो सचेतन प्रक्रियाएं हैं वो घटें, ज़्यादा से ज़्यादा तुम सचेतन हो, और फिर जो लोग अभी अनकॉन्शियस पैटर्न में हैं उनके प्रति तुम एक करुणा भी अनुभव कर पाओ। डील करने की बात जो आती है ना, वो इसलिए आती है कि तुमको उनसे परेशानी होती है। तुम अपने घर में हो, अपने ऑफिस में हो, व्यवसाय में हो, कहीं भी तुम हो, तो तुमको लगता है कि उन लोगों के व्यवहार से कोई परेशानी पैदा होती है। हो सकती है, उनके अपने ढंग हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम ज़्यादा सचेतन हो तो तुम अपने उस सचेतनता की रोशनी में अपने सारे क्रियाओं को घटने दो। जैसे जैसे तुम उन क्रियाओं को घटने दोगे, तुम देखोगे कि रास्ता बन रहा है, मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ठीक उस व्यक्ति से अगर तुम डील करने की कोशिश करोगे तो उसमें उलझन होगी। जैसे कोई व्यक्ति मानसिक रूप से रुग्ण है तो तुम जानते हो कि तुम उसको नहीं समझाते हो, तुम अपने को समझाते हो, तुम उसकी काउंसलिंग करते हो, उसका इलाज करते हो, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन तुम जानते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है तो ये ऐसा कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई अड़चन नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। तो करुणा का व्यवहार पहले रखो। अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस पैटर्न में उलझा है तो उसके लिए ज़्यादा करुणापूर्ण होना ज़रूरी है कि भाई ये तो एक ऐसी अवस्था है कि जिसका वो शिकार हो गया है, और अगर वो चीज़ तुम्हारे लिए परेशानी पैदा करती है तो तुम उसका हल निकाल लो, अपने अंदर शांत बने रहो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने सचेतन व्यवहार में काम करोगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम करुणापूर्ण रहोगे उस व्यक्ति के लिए, उतना ही तुम्हारे लिए डील करना, उस व्यक्ति से व्यवहार करना आसान बनता चला जाएगा और जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। तो इसलिए अपनी सचेतनता पर और अपनी करुणा पर, उस पर फोकस करो, वही तुमको सब कुछ डील करना सिखाएगी। Thank you.